हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोग को पीएमटीसी 134 अल्जेब्रा के अंतर्गत दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन इसे बताने से पहले स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, उन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें। यहाँ पर स्टेटमेंट एवरी परम्यूटेशन ऑफ ऑड ऑर्डर इज एन ऑड साइकिल कह रहा है कि ऑड ऑर्डर का प्रत्येक परम्यूटेशन एक ऑड साइकिल होता है, ठीक है, या ऑड परम्यूटेशन होता है। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम एक काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा इसे शो कर देंगे। हम एक साइक्लिक परम्यूटेशन लेते हैं, ठीक है, जो कि S3 का एलिमेंट है, ठीक है। ये 3 साइकिल है, 1 2 3, ठीक है, साइकिल 1 2 3, इसे हम 3 साइकिल भी नाम देते हैं। तो सिंस साइकिल 1 2 3 बिलोंग्स टू S3 एंड इट्स ऑर्डर इज 3, चूँकि ये 3 साइकिल है तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा, यानी कि ऑड ऑर्डर का है। बट इट इज़ एन इवन साइकिल, लेकिन यह एक इवन साइकिल है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, क्योंकि इसे हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह परम्यूटेशन जो है इवन साइकिल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर हम इस तरह से लिख कर दिखा सकते हैं, इस साइकिल 1 2 3 को इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में, या दो ट्रांसपोजिशन है, दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या होगा, इवन साइकिल होगा या इवन परम्यूटेशन होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एवरी परम्यूटेशन ऑफ ऑड ऑर्डर इज एन ऑड साइकिल, यह कहना गलत है।